देखो यार, आज मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते एमजी की ये कार मेरे सामने आ गई और फर्स्ट इंप्रेशन में ये कार मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कमाल की लग गई। हालांकि इसका जो फ्रंट फीशा है और इसका जो रियर का फीशा है ये दिखने में काफ़ी हद तक अग्रेसिव है, इसका एक्सटर्नल लुक काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम एमजी की इस कार के बारे में बात करेंगे और इसका नाम है जीटी। हालांकि कुछ कंट्रीज़ में इस कार को एमजी 5 इस नाम से बेचा जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में इस कार को एमजी जीटी इस नाम से बेचा जा रहा है। एमजी कंपनी ने इस कार को सबसे पहले 2014 में लॉन्च किया था, यानी इसका फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आया था 2014 में, और 2021 में इसके सेकंड जनरेशन वेरिएंट को लॉन्च किया था। जब ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो इसका मुकाबला रहेगा हुंडा की सिटी के साथ। इसके अलावा हुंडा की वेरना, मारुति सुजुकी सियाज, टोयोटा की अपकमिंग बेल्टा, इन कारों के साथ इसका तगड़ा मुकाबला रहने वाला है। तो यहाँ पर हुंडा की सिटी और हुंडा की वेरना को टक्कर देने के लिए एमजी की जीटी ये कार इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। हालांकि ये एक कॉम्पैक्ट सेडान एसयूवी कार है। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो इस कार की लेंथ है 4675 mm की, जो कि होंडा सिटी के मुकाबले 126 mm ज्यादा है। इसके अलावा इस कार की विड्थ है 1842 mm की, जो कि होंडा सिटी के मुकाबले 94 mm ज्यादा है, और इसकी हाइट 1480 mm की है, जो कि होंडा सिटी के मुकाबले 9 mm कम है। तो यहां पर लेंथ के मामले में और विड्थ के मामले में ये होंडा सिटी और होंडा वेरना के आगे निकल जाती है, लेकिन इसकी हाइट 9 mm कम है एज कंपेयर टू होंडा की सिटी। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो कंपनी ने इसके अंदर दो पेट्रोल इंजन दिए हुए हैं, 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि लगभग 118 bhp की पावर आउटपुट निकालता है। इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी इसके अंदर दिया जाता है, जो कि लगभग 173 bhp की पावर आउटपुट निकालता है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा 1.5 लीटर का, जो कि अच्छी खासी पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। एमजी कंपनी ने इस कार को जीएम पटाक के इस प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म का नाम भी काफी अजीब है। इस कार को आज के डेट में मिडल ईस्ट में बेचा जा रहा है। इसके अलावा कुवैत, ओमान, एमिरेट, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा बाकी की कंट्रीज में इस कार को बेचा जाता है। और इस कार की प्राइस दुबई में काफी अट्रैक्टिव है, वो सुनकर तो आपके डेफिनेटली होश उड़ने वाले हैं। उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अगर इसके एक्सटीरियर लुक की बात करूं, इसका फ्रंट फीशा और इसका रियर का फीशा काफी हद तक अग्रेसिव है, और इसके जो लाइटिंग का सेटअप है ये भी दिखने में काफी हद तक कमाल का है। इसका जो रूफ लाइन है, स्लोपिंग रूफ लाइन है, ये आपको कूपे स्टाइल एसयूवी की याद दिला देगा, लेकिन ये कूपे स्टाइल सेडान कार नहीं है, ये एक कॉम्पैक्ट सेडान कार है। हालांकि इसके स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से इसके साइड प्रोफाइल में एक अट्रैक्टिवनेस आ जाता है। वही एमजी कंपनी ने इसके फ्रंट फीशा में सिग्नेचर ग्रिल का यूज किया हुआ है। सेंटर में आप एमजी की बैजिंग देख सकते हैं। इसके अलावा अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ एलईडी डीआरएल भी इसके अंदर इस्तेमाल करी गई है। एलईडी हेडलाइट का सेटअप भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है। वही इसके रियर फीशा की बात करो तो इसके रियर के टेल लाइट का डिजाइन भी काफी हद तक मस्त लगता है। इस कार का जो रोड प्रेजेंस रहने वाला है वो काफी हद तक मस्त रहने वाला है। अगर इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करूं तो इसके इंटीरियर में बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल इसके इंटीरियर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसका जो एंगल है वो ड्राइवर की तरफ है, यानी ड्राइवर उसको इजीली एडजस्ट कर सकता है, तो ये भी काफी हद तक कमाल की बात है। इसके अलावा ड्यूल टोन कलर का थीम आपको इसके इंटीरियर में देखने को मिल जाएगा। बड़ा सा सनरूफ भी इस कार के अंदर दिया हुआ है और अच्छे खासे फीचर्स इस कार के अंदर ऑफर किए जाते हैं। अगर इसकी लॉन्चिंग की बात करो तो एमजी कंपनी इस कार को अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है, लेकिन उससे पहले एमजी 3 इस कार को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा एमजी मार्वल आर इस कार को भी लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद एमजी कंपनी इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। और रही बात कीमत की, तो इस कार को दुबई में बेचा जा रहा है। दुबई में इस कार की प्राइस है 48,000 AED। इसको अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये प्राइस हो जाती है लगभग 9 lakh rupees के आसपास। अगर इस प्राइस रेंज में एमजी कंपनी इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करती भी है तो डेफिनेटली ये कार होंडा सिटी को टक्कर दे सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से इस कार की कीमत 10 lakh या फिर 10.5 lakh rupees से शुरू हो सकती है, और इसके अंदर भी कमाल के फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली एमजी कंपनी ने एस्टर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, जिसके बेस मॉडल की कीमत 9.78 lakh rupees से शुरू होती है। हालांकि बेस वेरियंट के अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे गए हैं, तो सिमिलरली एमजी की जीटी इस कार के अंदर भी कमाल के फीचर्स दिए जाएंगे और इसकी भी कीमत 10-10.5 lakh rupees से शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है एमजी की इस सेडान कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।